दोस्तों अभी हम आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। और दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने ईएसआईसी का चालान घर बैठे कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस गूगल में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है ईएसआईसी। जैसे ही आप दोस्तों ईएसआईसी सर्च करते हैं, आपको पहले ही लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्विसेज वाला ऑप्शन है, यहाँ पर एम्प्लॉयर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसके बाद एम्प्लॉयर पोर्टल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों राइट साइड में आपको यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है सिंपली। दोस्तों जैसे ही आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करते हैं, आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्रॉस कर देना है और यहाँ पर क्लोज। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका जो ईएसआईसी का पोर्टल है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। तो दोस्तों अभी हमें चालान बनाना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर एक मंथली कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे आपको फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिटेल्स फॉर सिलेक्ट मंथ, किस मंथ का आप चालान बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट कर लें, उसके बाद ईयर सेलेक्ट कर लें, उसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक कर दें और मंथली कंट्रीब्यूशन यहाँ पर चेक कर लें कि आप मंथली कंट्रीब्यूशन ही बना रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके की स्क्रीन देखने को मिलती है, जैसे कि इंश्योरेंस नंबर, एम्प्लॉइज का नाम, नंबर ऑफ डेज, टोटल मंथ और आईपी कंट्रीब्यूशन और रीजन फॉर 0 वर्किंग डेज। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए जो एम्प्लॉयज का नाम है, नंबर ऑफ डेज है, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डेज फिल करनी है कि एम्प्लॉयज हमारे पास महीने में कितने दिन काम पर आया है। तो दोस्तों सिंपली आप यहाँ पर चेक कर लें कि आपके पास एम्प्लॉयज कितने दिन के लिए आया है, तो आपको यहाँ पर 26 डेज डाल देने हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टोटल मंथली वेजेस यानी कि जो भी उसकी सैलरी बनी है 26 डेज के हिसाब से, वो सैलरी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 77% आपको देखने को मिलता है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ईएसआईसी जो है वो 4% करता है एम्प्लॉयज प्लस एम्प्लॉयर को मिला के। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.25% करता है एम्प्लॉयर का और 0.075% करता है एम्प्लॉयज का। तो दोस्तों यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर 10175 का हम 0.75% करेंगे तो दोस्तों 80 रुपीज के करीब आ रहा है, यानी कि 77 रुपये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको दूसरा एम्प्लॉयज है उसकी आपके नंबर ऑफ डेज फिल कर दी है, उसके बाद आपको सैलरी फिल कर देनी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज की सैलरी फिल करें। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मान के चलिए थर्ड एम्प्लॉयज है और वो हमारे पास इस मंथ काम पर नहीं आया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जीरो डाल देना है। जीरो डालने के बाद जैसे ही आप जीरो फिल करते हैं, यहाँ पर आपको पूछता है रीजन फॉर 0 वर्किंग डेज। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वो किस लिए नहीं आया है वो आपको यहाँ पर बताना है। रीजन आपको देना है कि वो छुट्टी पर है, या उसने लेफ्ट कर दिया है, या फिर रिटायर है, या फिर एक्सपायर है, या नॉन इम्प्लीमेंटेड एरिया है। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति आपके पास काम करने के लिए नहीं आता है तो आपको नो वर्क कर देना है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कंपनी से हट चुका है तो आपको लेफ्ट सर्विस कर देना है। जैसे ही आप लेफ्ट सर्विस करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपसे डेट पूछता है कि आपका जो एम्प्लॉयज है कब छोड़कर चला गया है। तो दोस्तों हमारे पास ऐसा कोई एम्प्लॉयज नहीं है अभी, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको सभी की सैलरी फिल कर देनी है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि अगर कोई एम्प्लॉयज नहीं आता है या काम छोड़कर चला जाता है तब आपको रीजन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सभी की सैलरी फिल कर लेते हैं। अब दोस्तों आपने यहाँ तक कर लिया होगा, तो दोस्तों एक पेज पर आपको 10 एम्प्लॉयज का नाम देखने को मिलता है, तो 10 ही एम्प्लॉयज की हमें सैलरी फिल करनी होती है। जैसे ही आप दोस्तों एक पेज फुल फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो बाकी एम्प्लॉयज आपको देखने को मिलते हैं जिनकी सैलरी रह गई है, वो भी दोस्तों हमें यहाँ पर फिल कर देनी है। अब दोस्तों जैसे ही आपने ये सैलरी फिल कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर। दोस्तों जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपने जो सैलरी फिल की है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम 1116068 हमें सैलरी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हम एक बार एक्सेल से भी चेक कर सकते हैं,
11 6 0 6 8 11 6 0 6 8। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिखा दिया जाएगा टोटल आईपी कंट्रीब्यूशन इतना हो रहा है, टोटल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इतना हो रहा है, और ग्रैंड टोटल यानी कि जो चालान बन रहा है हमारा 4649 रुपीज का चालान बन रहा है। इसको दोस्तों आपको डेटा वेरीफाइड पर चेक कर देना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपसे बोलता है डू नॉट रिफ्रेश और क्लोज द ब्राउजर, प्लीज प्रेस ओके टू कंटिन्यू। तो इस पे आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करते हैं आपको पे ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। ये ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद योर रिक्वेस्ट इज सबमिटेड प्लीज वेट, ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों ओके पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए आपके पास चालान नंबर बनकर आ जाता है। तो दोस्तों ये जो चालान नंबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको संभाल के रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ESIC का चालान बनाना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब दोस्तों जैसे ही आपका ESIC का चालान बन जाता है आपको यहाँ से क्रॉस कर देना है। अब क्रॉस करने के बाद देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसे पे भी कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी इसे पे कर सकते हैं। तो अभी हम पे नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप ऐसा बताइए कि जिन जिन लोगों को हमने सैलरी दी है उसकी रिसिप्ट फाइल कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों सिंपली आपको व्यू कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री में जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है जो भी मंथ का हमने चालान बनाया है, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको दिखा दिया जाता है कि हमने इस एम्प्लॉयज़ को इतनी सैलरी दी है, और यहाँ पर टोटल मंथली वेजेस भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम ESIC का चालान बनाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी नई नई अपडेट्स है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।